वेलकम एवरीवन। सो आज का मैच है फर्स्ट सेमीफाइनल। कल का फ्रेंडली टीडीएम जो चल रहा था उसका फर्स्ट सेमीफाइनल है, जिसमें हमने सामने होंगी नूब्स और चुसू की टीम, और दोनों ही टीम्स आ चुकी हैं टाइम से। सो हम भी स्टार्ट करते हैं टाइम से। और कल थोड़ा सा वॉइस का दो मैचेस में प्रॉब्लम हो गई थी, बट आज वो नहीं होगी। और जैसा मैंने आप सबसे कहा था कि लाइक्स करो अगर ऐसे मैचेस और चाहिए, पर लाइक्स नहीं किया तो वैसे मैचेस में और नहीं करूंगा। मुझे लग रहा है आप लोगों की यही मर्जी है कि नहीं करो, क्योंकि 80 व्यूज और 7 लाइक, ऐसा कैसे यार, 10% लाइक कैसे। लाइक्स ज्यादा वो करो व्यूज के साथ साथ, तब तो पता चले कि आप लोगों को पसंद है और आप सब भी ऐसे मैचेस खेलना चाहते हो, तब तो हम कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द फन नाउ। चलो, और क्योंकि 15 मिनट बाद ही दूसरा मैच स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। टीम्स ने भी अच्छा किया, टाइम से आ गई, और आज हम वॉइस सेपरेटली रिकॉर्ड कर रहे हैं एप्लीकेशन के साथ साथ। सो होपफुली वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जो कल आई थी, क्योंकि आज वॉइस की प्रॉब्लम होती है। वीडियो तो पूरी रिकॉर्ड हो जाती है, पर गेम की और मेरी कास्टिंग की वॉइस नहीं आती है। यहाँ पर दो टीम्स है, टीम नंबर 1 है चुसू, जिन्होंने जो हमारे सेकेंड फाइनलिस्ट थे। फर्स्ट फाइनलिस्ट है नूब, जो है टीम नंबर 2। फर्स्ट और सेकेंड फाइनलिस्ट के बीच सेमीफाइनलिस्ट हैं दोनों, फर्स्ट सेमीफाइनलिस्ट सेकंड सेमीफाइनलिस्ट, इनके बीच में मैच है। इसके बाद थर्ड और फोर्थ सेमीफाइनलिस्ट के बीच में मैच होगा, और उसके बाद जो मैच होगा वो होगा हमारा, क्या बोलते हैं, ओ यहां पर शॉट्स आए थे लकी विन के ऊपर, लेकिन लकी विन बाल बाल बच गए हैं उन शॉट से। और अभी चल रहा है पहली किल निकाल, दो किल निकाल ली है टीम चुसू ने। सो टीम चुसू भारी पड़ रही है इस वक्त, स्टार्ट ऑफ द मैच जो है टीम चुसू भारी पड़ रही है। यहाँ पर क्रूज ने नूब निकलिया की किल निकाल ली, अब दो 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 से बराबर आ गए। अभी क्रूज कोको की किल निकल गई है, साथ में ब्रातिन की निकल गई है, फिर तीन तीन, बहुत टक्कर का मैच चल रहा है। सेमीफाइनल है तो बोथ टीम्स विल गिव देयर 100%, आई बिलीव सो। सो अभी तक दो किल्स निकाली हैं ब्रातिन C7 ने, और ब्रातिन C7 फिर से आ गए हैं। सामने चिराग दिखाई दे रहे हैं, और चिराग के ऊपर शॉट्स लेने की कोशिश कर रहे थे, बाद में ब्रो इको के ऊपर शॉट्स गया, ब्रातिन ने क्रूज इको को खत्म कर दिया है और आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल ध्यान से। लेकिन सामने से क्रूज कोको का शॉट आया, और क्रूज कोको ये कैसे ही कौन सा शॉट लिया भाई, अच्छा M762 थी, खतरनाक। तो भैया दो ही शॉट में गिर पड़े ब्रातिन भैया। सो दो शॉट्स अगर M762 के सही से कनेक्ट हो गए तो भैया बहुत खतरनाक होते हैं। और यहाँ पर फाइट चल रही है क्रूजको को और लकी विन के बीच में, और लकी विन को खत्म कर दिया क्रूजको को ने। अब क्रूज की टीम जो है वो पहुंच गई है 7 किल्स पे और 11 पे है नूब्स। सो नूब्स ने अपना दबदबा जो है क्रूज के सामने, क्रूज ने उस दिन कमेंट किया था सूर्यांश ने कि हमने 2-3 बार नूब्स को किया है। सो हेल्दी कॉम्पिटिशन, हेल्दी राइवलरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, सो हेल्दी राइवलरी बिटवीन दीज टू टीम्स। सो हेल्दी राइवलरी होनी चाहिए, मतलब गाली गलौज वाली नहीं होनी चाहिए, हंसी मजाक के साथ अगर आपस में आप कम्पीट करो दैट इज़ अ गुड थिंग टू डू। यहाँ पर नूब लकी विन के ऊपर पीछे से शॉट्स आ रहे थे, और नूब लकी विन को फिनिश कर दिया गया है। अब हम न्यूक्लिया को देख रहे हैं, न्यूक्लिया भी 4 किल्स निकाल चुके हैं, ब्रातिन 4 किल्स निकाल चुके हैं, डिम्पल 4 किल्स निकाल चुके हैं लकी विन। सो लगभग टीम गेम चल रहा है, 4-4, 3-3 किल्स ही निकाल रहे हैं सारे। और यहाँ पर 1 किल और आगे निकाल लिया डिम्पल ने, और लकी विन अभी भी 3 किल्स पर हैं, और लकी विन आगे खड़े, हम आगे जाते हैं, लकी विन अपने आप को हील कर रहे हैं। और यहां पर 13 और 16 का डिफरेंस हो गया है, सो अब निकल गई है फिर से 3 किल्स के डिफरेंस आ गया है। सो डिफरेंस थोड़ा सा कम हो गया है, यहां पर एक नेड आया था जिससे बच चुके हैं लकी विन, और लकी विन भी नेड करने की कोशिश कर रहे हैं चिराग सिंह के ऊपर। तो देखते हैं नेट कनेक्ट होता है या नहीं, हम चिराग सिंह के पास चले जाते हैं, चिराग सिंह के पीछे आके नेट फटने वाला है यहीं कहीं पर शायद चिराग के ऊपर नहीं फटा, ये कहीं गलत जगह फट गया। और बचे हुए 18 और 14 का डिफरेंस है, अभी भी क्रूस जो टीम है हमारी चुसू वो कर सकती है कवर अभी भी अपनी किल्स को, और थोड़ा सा देखभाल करके आसान खेल रहे हैं। और ब्रातिन C7 को गिरा दिया यहां से चिराग सिंह ने, और इधर भी गिराया, सो 2 किल्स निकाल चुके हैं, सो कॉम्बो 2 पे पहुंच चुका है। और उसके अलावा सूर्यांश मानव जो है वो अभी निकाल, सबसे ज्यादा किल्स अभी तक इको ने निकाली हैं और कोको ने निकाली हैं 5 और 3, बाकी जो टीम्स हैं एक मेरे ख्याल से 5-5-5 की बराबरी पर चल रहे हैं। यहाँ पर 18-18 की बराबरी भी आ गई है, चुसून टीम ने पिकअप किया है और थोड़ा संभल कर खेल रहे हैं इस वक्त, और इन्होंने थोड़ा सा लाइटली लिया था नूब्स को, और नूब्स के सामने जा जाकर किल्स गिफ्ट की थी शुरू में, जो कि अब ये नहीं कर रहे हैं और संभल कर खेल रहे हैं। वहां पर नूब्स की टीम भी इनको बराबर में देख कर थोड़ा सा संभल गई है। ब्रातिन C7 के ऊपर शॉट्स आए थे, लेकिन ब्रातिन C7 बहुत साफ साफ बचे हैं, लगभग 20% हेल्थ बची है उनकी। सो अब जो है वो लकी विन और
सिर्फ तीन किल्स पर बचे हुए हैं, बाकी सबने पांच पांच किल्स निकाली हैं। सो कंप्लीट टीम गेम आई वुड से। ब्रो इको यहाँ पर ज्यादा किल्स निकाली हैं, सूर्यांश मानव ने सिर्फ दो ही किल्स निकाली हैं, चार किल्स चिराग ने निकाली हैं, कोको ने पांच किल्स निकाली हैं, नूब लकी विन ने तीन पांच पांच पे हैं। सो लकी विन की सबसे कम किल्स है, बाकी सब पांच पांच पे हैं। यहाँ पर चिराग सिंह ने नूब न्यूक्लिया को ढेर कर दिया है और यहाँ पर चुसू की टीम आगे निकल गई है, लेकिन फटाफट नूब की टीम ने पिकअप किया और 19-20 पे पहुंच गए, यानी 20 किल्स पे पहुंच गई है नूब्स की टीम। सो नूब्स की टीम ने ऑलरेडी दो किल्स एक्स्ट्रा निकाल लिए हैं, चुसू की टीम यहां से देखभाल कर संभाल कर खेल रही है वैसे, लेकिन फिर भी नूब्स की टीम अब दो किल्स आगे निकल चुकी है। सो 21 किल्स, यहां पर लकी विन की टैली जो है चार पे पहुंच गई है, डिंपल की टैली जो है सात पे पहुंच गई है। सो डिंपल ने अच्छा गेम दिखाया अपनी टीम की, बाकी लोगों का जो है वो बना लिया, लेकिन फिर से चिराग सिंह ने कंपीट किया और 21-21 पे पहुंच गए थे, अब फिर से 21-22 हो गया है। यहां पर सूर्यांश मानव बहुत लो हेल्थ पर हैं लेकिन शॉट्स ले रहे हैं, और सूर्यांश मानव को बहुत अच्छे नेट से नूब लकी विन ने फिनिश कर दिया। So, 22-24 का चल रहा है हिसाब किताब, पेल पाल धमाल, जबरदस्त मैच, मजा आ गया मुझे मैच देख के। आधा ही मैच हुआ है अभी, लगभग 22-24 पे चल रहे हैं। नूब्स की टीम कभी आगे हो जाती है, कभी चुसू की टीम पिकअप करके पास में पहुंचती है, फिर पीछे हो जाती है, फिर आगे हो जाती है, इस तरह का गेम चल रहा है। दिस इज द गेम वी लव टू सी। और यहाँ पर क्रूस कोको को गिरा दिया है नूब न्यूक्लिया ने परफेक्ट शॉट के साथ। नूब न्यूक्लिया 9 किल्स पर पहुंच चुके हैं, लकी विन 5 पर, डिंपल 7 पर, नूब ब्रातिन सी 7 5 पर। सो यहाँ पर भी 6-6, 7-7 पे पहुंच चुके हैं। सो 23-26 का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ तीन किल्स का डिफरेंस है, और तीन किल्स के यहाँ पर तीन लोग एक साथ खेल रहे थे। सो अब ग्रुप कर शायद खेलने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, कि हम एक साथ रहेंगे तो हमारा चांसेस जो है आगे बहुत अच्छा है। ब्रातिन सी 7 बहुत सामने आगे शॉट ले रहे थे, जिन्हें चिराग सिंह ने गिरा दिया है अपने AKM 6X के स्प्रे से, और टैप टैप करके शॉट ले रहे हैं। 25-26 सिर्फ एक का डिफरेंस बचा है। अभी भी न्यूक्लिया सामने आए थे, न्यूक्लिया के ऊपर शॉट ले रहे थे, यहाँ पर चिराग सिंह के ऊपर नेट आया और नेट से फिनिश हो गया, ये नेट किया था ब्रातिन सी 7 ने। ब्रातिन सी 7 ने अपनी टैली को बढ़ा लिया है, अब पहुंच गए हैं 6 किल्स पर, 8 किल्स पर चिराग सिंह है, क्रूस कोको है, चिराग सिंह फिर से AKM पर 6X का स्प्रे करने जा रहे हैं, तीन किल्स ये कर रहे हैं। न्यूक्लिया को देखते हैं, न्यूक्लिया ने अभी तक मोस्ट किल्स कर रखी हैं, अभी बहुत साफ साफ बचे हैं। न्यूक्लिया पीछे से कोको का बहुत खतरनाक स्प्रे आया था और अब लगता है गोलियां खत्म हो चुकी हैं नूब न्यूक्लिया की। यहाँ पर चिराग सिंह के नेट से नूब लकी विन फिनिश हो गए, एक और नेट हाथ में पकड़ लिया है और नेट जो है वो फेंक दिया है आगे की तरफ न्यूक्लिया ने। देखते हैं न्यूक्लिया का नेट कनेक्ट होता है या नहीं होता है, पर न्यूक्लिया का नेट जहाँ पर गया वहाँ पर इस वक्त कोई भी अवेलेबल नहीं था। ओके, और यहाँ से शायद कोको का शॉट आया बहुत साइड से और न्यूक्लिया फिनिश हो गए, लेकिन फायदा हो गया कि वो अब गन लेकर वापस आएंगे अपने लोडआउट से, जो कि उनके पास गोलियां खत्म हो गई थी। सो अभी भी 9 किल्स पे हैं यहाँ पे चिराग सिंह। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल गेम पलट गया है, 32-28 पे पहुंच गया है, 4 किल्स से पीछे हो गई है नूब्स की टीम। नूब्स की टीम को वापस पिक करना पड़ेगा, अब 3 किल्स का डिफरेंस रह गया है दोनों टीम्स के बीच में। क्रूस कोको जो है अब 9 किल्स पर है, चिराग सिंह ने हाईएस्ट 11 किल्स निकाली हुई है, नूब न्यूक्लिया है नूब्स की टीम में जिन्होंने 10 किल्स निकाली हुई है। फिर से शॉट चल रहा था और बहुत अच्छा शॉट, 33 किल्स पर पहुंच गई है ब्लू टीम विच इज टीम चुसू, और टीम न्यूक्लिया जो है टीम नूब्स जो है 29 किल्स पर है, और बहुत ही औसम, बहुत आक्रामक रवैया अपना लिया है। 35-29 का 30-35 का डिफरेंस हो चुका है, 5 किल्स का डिफरेंस हो चुका है, अब बहुत मुश्किल से नूब्स की टीम को यहां से निकलने का, बट अ वेल डिजर्व्ड सेमीफाइनलिस्ट आई वुड से, अ वेल मैच टीम। और पीछे से डिंपल का शॉट आया और कवर कर दिया, पर 38 किल्स पर चुसू की टीम पहुंच चुकी है, नूब्स की टीम को 6 किल पीछे छोड़ दिया है। क्या 6 किल कवर कर पाएगी नूब्स की टीम, लेट्स सी इन अनदर 2-3 मिनट्स। सो 39 पे पहुंच गई है, 33 पे पहुंच गई नूब्स की टीम, पूरी टीम में आगे रही, पर लास्ट में पीक कर लिया है टीम ब्लू ने, और टीम ब्लू ने मैच 33-47 किल्स के डिफरेंस से जीत लिया है। सो इस गेम को जीता है, सो हमारी फर्स्ट फाइनलिस्ट बनती है टीम चुसू। न्यूक्लिया और डिंपल और ब्रातिन और लकी विन ने बहुत अच्छा गेम दिखाया है इनिशियली स्टार्ट में, बट दे लॉस्ट देयर वे समवेयर डाउन द लाइन, और इसकी वजह से दे लॉस्ट देयर फाइनल स्पॉट। सो फर्स्ट फाइनलिस्ट बनती है टीम चुसू, और अगला मैच जो होने वाला है वो DNE स्पोर्ट्स और ग्राफिटी के बीच में होने वाला है सिर्फ अगले कुछ मिनट्स में। आपको तो फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको इतनी देर में फट से दूसरा वीडियो शुरू हो जाएगा। सो सेकंड मैच है सेमीफाइनल का, दोनों टीम्स आ चुकी हैं, DNE स्पोर्ट्स और ग्रेफिटी, लेट्स स्टार्ट द फन नाउ। और भाई ये मैसेज चलाना क्यों देना क्यों नहीं बंद करते भाई, क्या समस्या है? अच्छा लो उत्कर्ष भैया अलग से मुझे बता रहे स्टार्ट कर दो, अरे मुझे चार चार दिख गए तो मैं स्टार्ट कर ही दूंगा। तो चलो 8:36 स्टार्ट हो गया है मैच, और चलो टाइम से खत्म हो जाएगा, मे बी शायद टाइम से ही हमारा फाइनल भी शुरू हो जाए, क्योंकि फाइनल डिले हो गया था थोड़ा सा, DNE को कुछ इशूज थे लेकिन वो इशूज रिजॉल्व हो गए हैं। तो DNE स्पोर्ट्स ने कल बहुत IBII को बहुत धोया था, और कल मैंने बताया था ज़्यादा घिसटना नहीं, पिछाड़ा जो है छिल जाता है।
लेकिन घिसट घिसट के फिर भी खेल रहे हैं सारे लोग। सो प्रॉब्ली मज़े आएंगे। और आज के मैच में बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ, सेमीफाइनल वन जो आप लोगों ने देखा। इसी बात पे ज़रा जाके लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, क्योंकि अगर तुम लोगों ने नहीं किया तो समझना फिर ये TDM के मैच नहीं होंगे। तो जिन्हें भी TDM ऐसे सेमी और खेलने हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट किल कौन निकालता है अभी देखते हैं। सो अभी कोई पहली किल नहीं निकाल रहा है, अभी तो चल रही है बस बूम पेल पाल धमाल का मैच है। DNE स्पोर्ट्स अभी पीछे है, TPP चल रही है इनकी, और ग्रेफिटी टीम ढूंढ रही है कि भैया DNE वाले हैं कहाँ पर। सबने पोजीशन अलग 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 ले रखी है, ले रहे। क्या हो गया, केला थोड़ी खाया था। ग्राफिटी भी पीछे है। ओ भाई इतनी देर हो गई है, एक मिनट का समय लगभग हो गया है, लेकिन अभी तक ना ग्राफिटी ने कोई किल निकाली है ना DNE निकाली है, लेकिन फाइट शुरू हो गई। पहली किल जाती है ग्राफिटी को, ग्राफिटी ने डेड बनी को डेड कर दिया। नाम ही डेड बनी था तो फिर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उनको भी, क्योंकि डेड ओके। यहाँ पे M249 चल रही है, जो कि शायद बीच से उठाई है, कहाँ से उठाई है। अब देखते हैं कि नो मर्सी क्या लेकर आते हैं। अगर वापस M249 लेकर आए तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, पता है आपको। अच्छा चलो, बीच से उठाई होगी, दैट मीन्स तो बीच से उठा सकते हैं वही दोनों जो वहाँ पर AWM या वो मिलता है आपको, वो उठा सकते हैं, लेकिन आप अपने लोड आउट में सेलेक्ट नहीं कर सकते कोई भी वेपन। सो मैंने कल ऑलरेडी शायद DNE ने ही क्वेश्चन किया था कि बीच वाले वेपन उठा सकते हैं, तो मैंने उन्हें बोल दिया था कि हाँ जी बीच वाले वेपन तो आपके सबके लिए होते हैं ना, वो तो आप उठा ही सकते हो। सो वो तो कोई भी उठा सकता है जिसको पहले मिल जाए, सो इट्स अप टू यू। बट क्योंकि लोड आउट में सबके गन्स होती नहीं है सारी, इसीलिए वो अनफेयर ना हो। यहाँ पर तो आगे चली गई है ग्रेफिटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, 8-3 का हो गया है। सो आज लगता है DNE के लिए भारी पड़ने वाला है ये मैच। और यहाँ पर GRF बोलते को की बोलती बंद कर दी लॉर्ड ने, और 10 किल्स निकाल चुकी है अभी, 5 किल्स थोड़ा सा पिकअप किया है DNE स्पोर्ट्स ने। और पिछली बार तो भैया जो टीम सबसे आगे चल रही थी नूब्स की टीम, उसी को वो पिछड़ गई लास्ट में, गड़बड़ा गया उनका, डीरेल हो गई उनकी रेल। और यहाँ पर नो मर्सी जो है शॉट्स ले रहे हैं, और इन्होंने नो मर्सी के साथ फिनिक्स को किया, और ऑन टॉप ऑफ ने आके डेड बनी को खत्म कर दिया। डेविल ने नो मर्सी को कर दिया, वैम्पायर ने डेविल को कर दिया। अगर मैं किल फीट पढ़ूंगा तो पागल हो जाऊंगा, क्योंकि किल फीट पढ़ने का मतलब है एक मैच में जो भी TDM में कि पागल हो गए। डेविल ने अभी ओपी नेट किया है, जो कि इन्होंने एरर से सीखा था। हाँ भाई, शेडो एरर से सीखा था। सो इनकारनेशन नहीं खेल रही है, पता नहीं क्यों नहीं खेल रही है TDM, और इनकारनेशन कहाँ पे गायब हो गई है मुझे पता नहीं। 2 दिन से क्योंकि हम TDM कर रहे हैं, और इनकारनेशन ने रजिस्टर भी नहीं किया TDM पे, और हमारे पास अभी हमने सिर्फ 8 टीम्स का TDM कराया था। सो 4 टीम्स एक उसमें थी, 4 एक में थी, इस तरह से करके हम 8 टीम्स का करा रहे थे। यहाँ पर नो मर्सी ने बहुत अच्छा दिखाया है, और 2 किल्स निकाल दिए हैं एक ही गो में, और एक किल एक साथ 2 किल्स निकाला। और यहाँ पर नो मर्सी को डेविल ने लिटा दिया है, और डेविल वापस भाग कर जा रहे हैं। हम ज़्यादा जलते हैं और देखते हैं मैक्सिमम किल्स किसने किए हैं। सब अभी तक ऑन टॉप टॉप पे हैं, नो मर्सी टॉप पे हैं। नो मर्सी ने कोई मर्सी नहीं दिखा रखी है, नो मर्सी ने 6 किल्स निकाल रखी हैं। वैम्पायर की 8 किल्स हो गई, अभी 2 किल्स उन्होंने पेल दिए हैं। और यहाँ पर पेल पाल धमाल चल रहा है, अभी भी 12 और 19 7 किल्स का डिफरेंस चल रहा है DNE और ग्रेफिटी में। सो बहुत लंबा डिफरेंस नहीं है अगर मैं कहूँ, ये भी एक वेल मैच टीम का मैच हो रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जैसा कि नूब्स और इनका मैच हो रहा था। सेमीफाइनल, एक्चुअली सेमीफाइनल जैसा लगना चाहिए। ऑन टॉप ऑफ नेट कर रहे हैं, नेट जा रहा है डेविल के ऊपर, हम फटाफट चले जा रहे हैं डेविल पे, देखते डेविल फट लिए, जब तक हम पहुंचे तब तक डेविल फट गए। सो यहाँ पर वैम्पायर ने बहुत लो हेल्थ पर भी लेकिन डेड बनी को डेड कर दिया है। अब देखते हैं और वैम्पायर और कौन कितनी किल निकालते हैं। 9 किल निकाल चुके हैं वैम्पायर भैया, सबका खून पी रखा है इन्होंने। नो मर्सी ने कोई मर्सी नहीं दिखा रखी है। ऑन टॉप देखें, टॉप पे हैं कि नीचे हैं, नहीं नीचे हैं, और नीचे पिल भी गए। सो इनको पेला डेविल ने, और डेविल ने ऑसम गेम दिखा रखा है। डेड बनी ने अच्छा गेम दिखा रखा है, 6 और 5 किल्स निकाल रखी हैं रिस्पेक्टिवली इन लोगों ने, और 16 और 24 का डिफरेंस है। सो 7 से 8 किल्स का डिफरेंस हो गया है अब इस बीच DNE और ग्रेफिटी के बीच में। सो ग्रेफिटी का ओके, यहाँ पर लॉर्ड के ऊपर नहीं, सॉरी डेविल के ऊपर नहीं, फिनिक्स के ऊपर नहीं, डेविल के ऊपर शॉट आ रहे थे। डेविल घिसटते हुए पाए गए, छिल जाएगी पैंट, फट जाएगी और पिछाड़ा छिल जाएगा। सो यहाँ पर DN डेविल के पिछाड़े पे शॉट्स भी आ रहे थे, अब तो मतलब पिछाड़े की तो हालत बुरी होगी। सो आप कल सोफे पे बैठेंगे तो सोफ़ा भी लगेगा जैसे कि पत्थर पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पर डेविल का खात्मा ऑन टॉप ऑफ के द्वारा किया गया है। ऑन टॉप ऑफ किल फीड में तो वैम्पायर टॉप पे चल रहे हैं, नो मर्सी टॉप पे चल रहे हैं, 12 किल्स निकाल चुके हैं। ग्यार ग्रेफिटी सबसे ज़्यादा किल्स अभी तक निकाली हैं। वहाँ पर डेड बनी जो है डेड मतलब अपने लिए डेड नहीं कर रहे हैं, वरना पहली किल तो उन्हीं की निकली थी। नो मर्सी को यहाँ पर डेड बनी ने फिर से डेड कर दिया है, और डेड बनी जो है बहुत अच्छे से 20 और अभी भी 8 का डिफरेंस बरकरार है।
अभी भी 12 किल्स दूर है ग्रेफिटी और 20 किल्स दूर है। यहाँ पर बड़े आराम से खड़े डेड बनी क्या कर रहे थे, डीएन फिनिक्स पता नहीं क्या कर रहे थे, नो मर्सी ने आके पेल मारा बिल्कुल। सो यहाँ पर नो मर्सी जो है वो जा रहे डीएन लॉर्ड और वैम्पायर, और यहाँ पर डेड बनी को डेड कर दिया लगभग, नहीं बच गए, और नो मर्सी को पीछे से लॉर्ड ने पेल मारा और पेल पाल धमाल अभी भी जारी है। डेड बनी 10 किल्स पर अपनी टेली पहुंच चुके हैं, वंपायर 10 पे नो मर्सी। सो यहाँ पर एक नेड आया था जिससे बचकर लॉर्ड निकल रहे थे, लेकिन लॉर्ड को पेल दिया बोलते ने। सो बोलते कि बोलती थोड़ी सी बंद है मुझे लग रही है, वैसे बोलते हैं जिनका नाम वो एक्चुअली है हमारे फायरबर्ड, पर नाम बदलने से लगता है फायर चली गई है। और हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी भी किल्स का टैली जो है वो 3 पर ही आया है, और यहाँ पर दूसरी तरफ फिनिक्स जो है उन्हीं का साथ दे रहे हैं, 3 किल्स पर फिनिक्स भी लगे हुए हैं, बाकी सारी टीम अच्छा खेल रही है। और यहाँ पर लॉर्ड को लिटा दिया है पीछे से नो मर्सी ने। सो नो मर्सी 16 किल्स पर पहुँच गए हैं, नो मर्सी ने कोई मर्सी नहीं दिखा रखी, नाम के अनुरूप गेम चल रहा है। यहाँ पर एक और बंदे को टपकते हुए देखा लास्ट में हमने, शायद डेड बनी थे। सो डेड बनी 12 किल्स निकाल चुके हैं, सो ही इज़ अनलीशिंग रैक ऑन ग्रेफिटी। यहाँ पर डीएन लॉर्ड के ऊपर साइड से नो मर्सी ने शॉट लिए थे, यहाँ पर पीछे से आकर नो मर्सी ने शॉट लिया, सामने से मुझे वैम्पायर भैया लेटते हुए नजर आए और नो मर्सी को भी लिटा दिया है। 33-37 4 का डिफरेंस आ गया है। सो बहुत ज़्यादा टैली जो है अपनी आगे कवर की है डीएन स्पोर्ट्स ने, संभल संभल के खेलते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए टीपीपी लेते हुए ध्यान से खेल रहे हैं, एक साइड रहकर खेल रहे हैं तीनों लोग, एंड विच इज़ अ गुड सिस्टम टू डू ऑन टॉप ऑफ बोलते। और यहां पर ऑन टॉप के ऊपर शॉट्स आ रहे थे और ऑन टॉप को पेल दिया गया है बहुत बुरी तरीके से, और नाच नाच के बनी ने नाच करा दिया पूरा, वैम्पायर को घुमा दिया, चक्कर आ गए, सॉरी ऑन टॉप ऑफ को। यहाँ पर वैम्पायर जो है शॉट्स ले रहे हैं डेविल के ऊपर, और 40 किल्स निकाल दी ग्रेफिटी ने। सिर्फ 4 किल्स का डिफरेंस जो रह गया था जो कवर अप किया डीएनई ने, बहुत ही कोशिश की, अच्छी कोशिश की, बहुत औसम गेम दिखाया, लेकिन आखिरकार ये जो किल्स की कंपेयर वो था 4 किल्स का, वो अभी नहीं हुआ कंप्लीट। सो दो फाइनलिस्ट हमारी हमें मिल गई है, अगला मैच फाइनल मैच है, देखो उसे ध्यान से क्योंकि बहुत टॉप क्लास मैच होने वाला है। ग्रेफिटी और चुसू हमारी दो फाइनलिस्ट के बीच में, और ये मैच है फाइनल मैच। सो फ्रेंडली टीडीएम लीग का ये पहला फाइनल मैच है, और ये कौन भाग गया भाई, चिराग भैया कहां उड़ गए, क्या हुआ चिराग, बुझ गया क्या, कहां गया? सो चिराग भैया आए थे, पता नहीं कहां गायब हो गए। सो ये एक टीम के एक बंदा जो है वो पीछे चला गया, मैच स्टार्ट कर दूंगा तो 3-4 हो जाएगा भाई, जल्दी आ जाओ, इतना टाइम नहीं है, मैंने तो सोचा स्टार्ट कर दूं इसलिए मैंने जैसे रिकॉर्डिंग ऑन की वैसे भाग गया। देखो जरा मेरी फ्रेंड लिस्ट में है, नहीं जी मुझे फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, लगता है गेम में क्रैश हो गया है। सो हम प्रॉब्ली एक मिनट वेट कर लेते हैं, 30 सेकेंड्स वेट करके नेक्स्ट हम फिर स्टार्ट करेंगे, ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि फाइनल है भाई फाइनल। तो आपको पिछले दोनों मैचेस में बहुत मज़ा आया होगा आई होप सो, और आज वॉइस रिकॉर्डिंग की भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने वॉइस अलग से रिकॉर्ड की है। वैसे मुझे लगता है मेरे पहले वीडियो में भी इशू आया है, लेकिन उसमें भी मैंने वॉइस अलग से रिकॉर्ड की थी, तो मैं वो डाल दूंगा, तो कम से कम आपको मेरी मधुर आवाज़ तो सुनने को मिलेगी, मे भी शायद गेम की आवाज़ ना सुनने को मिले, पर गेम की आवाज़ ऑल दो आनी चाहिए, पर पता नहीं क्यों थोड़ा सा इशू हो रहा था, तो मैंने चलो कोई बात, अब मैंने सही कर दिया है सब गेम की इशू वगैरह को, और मैंने अलग से वॉइस रिकॉर्डिंग बराबर कर रहा हूं, तो 1:16 जैसे यहां पर हो रहे हैं तो वहां पर भी हो रहे हैं, तो सही से चल रहा है रिकॉर्डिंग अब दोनों तरफ। सो अगर बाई चांस गेम की वॉइस किसी वजह से न चली भी जाती है तो एटलीस्ट मेरी मधुर आवाज आपको सुनने को जरूर मिलेगी। सो चिराग सिंह भैया अभी तक नहीं आए हैं, अब चिराग सिंह क्यों नहीं आए हैं खुदा जाने, सूर्यांश कहां गए, सूर्यांश तो आ गए हैं, इको आ गए हैं, चिराग सिंह को क्या हो गया, नो आई वेंट किक्ड एनीवन भाई, मैं क्यों किक करूँगा भाई, बुला लो उसे वापस, मैंने ही तो इनवाइट किया था, मैं क्यों किक करूँगा, कह रहे हैं मैंने किक कर दिया, मैंने नहीं किक किया दोस्त, मैंने नहीं किया, वो तो मुझे ऑनलाइन ही नहीं दिख रहा, उसका गेम क्रैश है मेरे ख्याल से, आई गेस गेम क्रैश, क्योंकि वो मुझे मेरी फ्रेंड लिस्ट में नज़र आया था, तो अब नहीं नज़र आ रहा तो ऑनलाइन ही नहीं है बंदा वो। भाई सूर्यांश भाई ऐसे इल्ज़ाम मत लगाओ मेरे ऊपर, मैंने नहीं किक किया किसी को, एंड इट इज़ ऑन रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्डिंग पे दिखता है अगर मैं किक करूँगा रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद। हाँ वेट कर रहा हूँ मैं, पर अब मुझे कॉल मत करो इस टाइम, मैं कॉल रिसीव नहीं कर सकता, कॉल सब DND पे होती हैं तो मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगा इस वक्त कॉल्स वगैरह, कॉल्स बैकग्राउंड में आएगी भी तो मुझे मेरे स्क्रीन पे नहीं आएगी, सो दैट इज़ द इशू। और मैं रिकन ही इज़ टाइपिंग द करेक्ट पारे, वो ज्वाइन तो करे बंदा, मैं 2111 तो पासवर्ड है, वो आए तो मुझे मेरी फ्रेंड लिस्ट में अभी दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा है बंदा, वो ऑनलाइन तो आएगा तो मैं इनवाइट ही कर दूंगा ना उसे।
रिस्टार्ट कर रहा है गेम। ओके 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 नो प्रॉब्लम, चलो कोई बात नहीं, फाइनल मैच हम रिस्क नहीं ले सकते हैं 3v4 का, सो कोई बात नहीं। अब मैं वेट कर रहा हूँ, बट मेरी रिकॉर्डिंग शुरू होने के बाद वेट करना ना बड़ा पकाऊ हो जाता है मेरे ऑडियंस के लिए भी, क्योंकि ये वेट करना इतना नहीं है। लेकिन चलो दोस्तों, लेकिन हम इस अपॉर्चुनिटी को करते हैं। भैया सबसे पहली बात मैंने कहा था, फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लो भैया एक बंदा और गायब हो गया है यहाँ पर, 3 मिनट का टाइम हो गया है वेट करते हुए, ये क्या हो रहा है भैया? एक बंदा और चला गया, ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा, क्या हुआ? एक और बंदा चला गया, ये हो क्या रहा है? इतना ज़्यादा वेटिंग करेंगे, सूर्यांश खुद भी चला गया, इसने क्यों लीव कर दिया इससे तो पूछूं, मैसेज किए जा रहा मुझे। अरे नहीं भाई, रिकॉर्डिंग बंद करो, चार चार फाइल हो जाती है, फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। चलो आगे आगे, सारे लोग आगे, सारे आगे, चार के चार आगे, चलो चार के चार आगे, चार के चार आगे, चार के चार आगे, चार के चार आगे। सब्जी नहीं बेच रहा हूँ मैं, लेकिन क्या कहते हैं, चार के चार आगे, खुशी हो गई है, फालतू के 3 मिनट चले गए थे। तो प्लीज़ गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर 80 व्यूज के साथ 80 लाइक मुझे नहीं मिले, कसम है मुझे पबजी की मैं क्या कहते हैं फिर TDM वो नहीं कराऊंगा, बता रहा हूँ मैं। इसलिए जाके चुपचाप लाइक कर देना कल के मैचेस पे, जिन्होंने लाइक नहीं किया है कसम है तुम्हारे मम्मी की, जब जाके कर दो, माँ कसम है, माँ कसम तुम्हें, माँ कसम है तुम्हें, अपनी माँ की कसम है, जाके कल का वीडियो भी लाइक करना। अरे यहाँ पर फोड़ फाड़ धमाल पहले से क्यों चल रहा है? अभी तो 1 सेकंड का टाइम बचा हुआ है, और यहाँ पर टीम ब्लू है, हमारी टीम चुसु, जिनका औसम अभी आपने नूब्स के साथ मैच देखा था, और ग्राफिटी और डीनी का मैच देखा था, हमारे दो फाइनलिस्ट ग्राफिटी और चुसु शुरू कर चुके हैं मैच, और संभल संभल के चल रहे हैं। अभी सिर्फ बमबारी की जा रही है, बमबाजी चारों तरफ की जा रही है। ग्रेफिटी ने पोजीशन ले ली है और बिल्कुल तैयार हैं, ऑन टॉप ऑफ चले गए हैं सामने से, और पेल भी दिए गए हैं, नो मर्सी ग्रेफिटी वम्पायर। तो 2-1 का डिफरेंस आ गया है, चुसु ने 2 किल निकाल लिए हैं ग्रेफिटी के सामने, और ये पहली टीम है मेरे ख्याल से जो ग्रेफिटी से आगे चल रही है शुरू से ही, 3-3 vs 1, 3-2 का हो गया है ग्रेफिटी वम्पायर। सो यहाँ पर जो है वैम्पायर भैया ने अकेले 2 किल्स निकाली हैं, बाकी लोग सो गए हैं क्या? बाकी लोगों को जगाओ अजीत भैया, बाकी लोगों को जगाओ। और यहां पर नो मर्सी की पीठ पर 2-4 गोलियां पड़ी थी, और यहां पर कोई घिसट नहीं रहा है अभी तक, सो पीठ पे गोलियां ही पड़ी हैं सिर्फ, बैक पे बैकफायर वैम्पायर के यहाँ पर। ओ नेड आया ओपी चिराग सिंह का, जिससे कि लेट गए वैम्पायर भैया, और 5-4 का डिफरेंस आ गया है। सो ग्रेफिटी ने पिकअप कर लिया है, 7-4, फिर से चुसु आगे निकल गई है, और वो भी 4, तो जस्ट डबल का डिफरेंस हो गया है, 50% का। चुसु का औसम गेम प्रेस जारी है, ब्रो इको जो है, और सारे लोग ओके 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 ओके। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि चिराग वगैरह जो है, कोको और चिराग सूर्यांश जो है वो ले रहे हैं भैया ऑन टॉप, बोलते को गिरा दिया है। ये क्या चल रहा है भैया? 12-5 ग्रेफिटी को तो बिल्कुल हलवा बना दिया है, ये कागज दिया है। ओके यहाँ पर ग्रेफिटी ऑन टॉप ऑफ पे क्रूज, कोको शॉट ले रहे थे लेकिन ऑन टॉप बच गए, और यहाँ पर कोको को फिनिश कर दिया। सो यहाँ पर चिराग कोको और 13-8 का डिफरेंस आ गया है, लेकिन ग्रेफिटी ऐसी टीम्स में से नहीं है जो आसानी से हथियार डाल दिए, और अपना टैली उन्होंने 9-13 पे पहुँचाया है। अभी भी जो चुसु की टीम है वो 14 पे आ गई है, और 14-9 का डिफरेंस हो गया है, 10-14 का सिर्फ 3 किल्स का डिफरेंस बचा है। ग्रेफिटी ने पिकअप कर लिया है ऑन टॉप ऑफ, वहाँ से नेड कर रहे हैं वैम्पायर भैया ने, पेल पाल धमाल मचा रखा है, 4 किल्स नो मर्सी भी निकाल चुके हैं, और नो मर्सी यहाँ पर शॉट्स ले रहे थे 14-11, अभी भी 3 का डिफरेंस है, अब सिर्फ 2 किल्स का डिफरेंस रह गया है। मुझे मैंने कहा था ग्रेफिटी टीम आसानी से, जो अगर मैं कहूँ चकदे वाली भाषा में, कि आसानी से हार मानने वाली टीमों में से नहीं है। सो उन्होंने चक दिया है, लेकिन वैम्पायर जी को चक दिया है, तो 17-12 फिर से वापस 5 किल्स आगे निकल गई है चुसु की टीम। तो चुसु ने नाको चने चबवा दिए हैं यहाँ पर वैम्पायर को, और वैम्पायर को बहुत मुश्किल हो रही है चुसु के साथ खेलने में। और चिराग और यहाँ पर ब्रो इको को मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी किल्स निकाल चुके हैं, चिराग ने अभी भी एक नेट किया है, ब्रो इको ने यहाँ पर नो मर्सी को किया है। सो 2-2 के स्क्वाड में खेल रहे हैं, जैसे कि उधर से ब्रो इको और सूर्यांश मानव जो है मिड में है, और चारों तरफ से घूम घूम के पेल पाल धमाल चल रहा है। सूर्यांश मानव को बोलते ने फिनिश कर दिया है, बोलते इस मैच में थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक 2 ही किल्स निकाली हैं, सबसे ज़्यादा किल्स नो मर्सी ने निकाली हैं। देखो TDM का सबसे बड़ा फॉर्मूला ये नहीं है कि जाके तुम क्लोज रेंज फाइट में किसी को पेल लो,
सबसे बढ़िया बात है, आप जितनी अपनी किल्स कम दोगे उतनी ज़्यादा आपकी टीम की किल्स भी तो बढ़ रही हैं। आप अपनी किल कम दे रहे हो तो सामने वाली टीम को कम किल मिल रही हैं। सो ये एक बहुत बड़ा वो है जो कि लोग ध्यान से समझते नहीं है, घुस घुस के मारना पीटना शुरू कर देते हैं। इट्स नॉट लाइक, अगर इसमें भी थोड़ा सा, तो बहुत नहीं कहूँगा कि बहुत दिमाग वाला गेम नहीं है। अब 3 किल्स का डिफरेंस रह गया है, 20 और 23 पे आ गया है, पर चुसु की टीम की मजबूत पकड़ जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत लग रही है मुझे। यहाँ पर क्रूस कोको को नो मर्सी ने पेल मारा है, लेकिन खुद की भी हेल्थ बहुत लो थी और खुद भी पिल गए। सो यहाँ पेल पाल धमाल बराबर जारी है, और चिराग सिंह ने बहुत सारे लिए थे, ग्रेफिटी बोलते हैं, अब चुपचाप बैठ गए हैं क्योंकि उनकी हेल्थ बहुत लो हो गई है। चिराग सिंह सामने से शॉट ले रहे थे, चिराग सिंह पर जाते हैं और साइड लेफ्ट दूसरी साइड से शॉट आए और नो मर्सी को के ऊपर कोई मर्सी नहीं दिखाई गई। यहाँ पर चिराग सिंह को सूट दिया गया ऑन टॉप ऑफ ने, सो ग्रेफिटी थोड़ा सा बैकफुट पर चली गई है। अब उल्टा ग्रेफिटी के पाले में घुस घुस के जो है चुसु टीम जो है वो मार रही है। 23-24 यानी 6 किल्स का डिफरेंस आ गया है चुसु और ग्रेफिटी के बीच में। ग्रेफिटी को ब्लैकफुट पे ढकेलना बहुत ही मुश्किल काम है, जो कि कर दिखाया है टीम चुसु ने। सो टीम चुसु इज़ अ कंपैरेटिवली न्यू टीम ऑन आर प्लेटफॉर्म ऑन टाइटन्स टूर्नामेंट, और टाइटन्स टूर्नामेंट के प्लेटफॉर्म में अगर पहले देखें, जब हमारा पबजी टाइटन्स टूर्नामेंट था, तब से अभी तक जो है कई सारे, जब सिंस द वेरी स्टार्ट ग्रेफिटी ने हमेशा डोमिनेंस किया है, लेकिन आज ग्रेफिटी के डोमिनेंस को एक ऐसी टीम जो कंपेरेटिवली बहुत नई है उसने चैलेंज किया है आकर। सो 6 किल्स का भी डिफरेंस चल रहा है, ग्रेफिटी को पिक करना पड़ेगा। ग्रेफिटी थोड़ा पीछे रहकर खेल रही है, यहाँ पर बोलते सामने आ गए सूर्यांश मानव, इन पर शॉट ले रहे थे, ब्रोइको मुझे आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं, सो ब्रोइको पे चलते हैं। ब्रोइको नहीं, पीछे की तरफ चले गए हैं, कोको जो है वो आगे की तरफ आ गए हैं, और कोको यहाँ पर सामने की तरफ आ गए थे और कोको को पेल दिया गया। अब साथ साथ रहकर ग्रेफिटी बहुत सावधानी से आगे बढ़ रही है, पर किल्स का डिफरेंस अभी भी 6 है, सिर्फ 3 किल्स जो है चुसु अपने फाइनल विन से, और 9 किल्स की ज़रूरत है अभी ग्रेफिटी को। सर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होगा, उसके बाद भी बोलता हूँ मैं। सो यहाँ पर ब्रोइको और ऑन टॉप ऑफ की फाइट चल रही है, और फाइनल ब्लो हैंड लग गया और ऑन टॉप ऑफ को लिटा दिया गया। सो यहाँ पर टेबल्स बहुत ज़्यादा टर्न हो गई है, जो टीम जो है नूब्स के सामने पीछे चल रही थी सेमीफाइनल में, और वो ग्रेफिटी के सामने मुझे लगा कि 8 किल्स के डिफरेंस से ग्रेफिटी को हरा दिया। सो इट्स अ वेरी ऑसम गेम, टीम चुसु अब वेल डिजर्व्ड, वेरी वेल डिजर्व्ड। सो 3 cheers फॉर टीम चुसु फॉर विनिंग दिस कॉम्पिटिशन। आई नो दिस इज अ फ्रेंडली कॉम्पिटिशन एंड दिस वॉज ऑन अ ट्रायल बेसिस थिंग, बट सून वील हैव सम कॉम्पिटिशन इन विच वील हैव सम प्राइजेज ऑल्सो, बट ओनली वेन आई विल गेट अ लॉट ऑफ व्यूज, सो उसके लिए शेयर करने पड़ेंगे आपको, और अ लॉट ऑफ लाइक्स। सो अ लॉट ऑफ का मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ 5, 10,000, 50,000, 1,000,000 लाइक्स हो जाएं, नहीं, मुझे पता है अभी मेरी औकात क्या है, सो उसके हिसाब से कह रहा हूँ। सो वॉट आई मीन टू से इज कि जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज़ शेयर भी किया करो अपने और पबजी खेलने वाले दोस्तों के साथ, शेयर करो, उनको अपना गेम प्ले दिखाओ, उनको बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। सो सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, लाइक्स बढ़ते हैं, सो मुझे भी एनकरेजमेंट मिलता है बेटर वीडियोज बनाने का। सो वेल, वेरी वेल डिजर्व विक्टरी फॉर टीम चुसु एंड ऑसम फाइट टू ग्रेफिटी टीम। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर मी, दिस इज आशुतोष साइनिंग ऑफ, सी यू टुमारो इन अनदर मैच, बाय बाय।